close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna wait. Hey guys, तो अभी बज रहा है 11:48 और मैं अपने बर्थडे का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. यहाँ पे सारी डेकोरेशन चल रही है, ये सब लगे पड़े हैं बलून्स वगैरह को कलेक्ट करने में. सो ऑल प्रिपरेशन इज डन एंड ये रात का बर्थडे सेलिब्रेशन है. दिन का बर्थडे सेलिब्रेशन जो कल होगा फाइनल का, उसका ब्लॉग ये जो ब्लॉग बना रही हूँ उसमें आपको दिखाऊंगी. फिलहाल आज रात में हमने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया है. आई एम 27 नाउ, नहीं नॉट नाउ, अभी हैं 10 मिनट अबाउट, हाँ 10 मिनट हैं पूरे, 11:49 हो रहा है. सो या मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, करेक्ट 12 बजे. स्टे ट्यून्ड. We'll be right back.
सो गाइस 12:49 हो रहा है और मेरी आंखें देखो कितनी रेड हो गई हैं। अब मैं जा रही हूँ सोने। अब बाकी का बर्थडे हम कल स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग से, और फिलहाल के लिए अभी सोते हैं। 12:49 दैट्स ऑल। बाकी अभी की पिक्चर्स मैं डाल दूँगी सारी इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक वगैरह पे, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। माय इंस्टाग्राम हैंडल एंड व्हाट्सएप हैंडल आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। दैट्स ऑफ लव, गुड नाइट, हैव योर ड्रीम्स एंड मिलती हूँ सुबह को। गुड नाइट। मम्मा मेरी आई थी आज दोपहर में, आई हुई हैं स्पेशली फॉर माई बर्थडे। एक्टिंग क्यों कर रही हो मेरी? मैं आके देखो कितनी लाल हो रही है, देख रही हो? चलो गाइस बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग इंडिया। ज्योति उपाध्याय क्वीन उठ चुकी है अपने बर्थडे पे तो सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। गाइस अभी बज रहा है, ओ माय गॉड, 8:30 बज रहा है। मैं बस उठी थी, मैंने अभी भी चाय बनाई थी मम्मी को दे के चाय, फिर मैं आई हूँ रूम पे। मुझे लगा लाओ थोड़ा शूट कर लेती हूँ। आँख मेरी खुली भी नहीं थी, एक आँख खुली थी एक आँख बंद थी, ऐसे ऐसे चलेगी। मैं चाय बना के फटाफट दे के आई पापा मम्मी को। पापा अभी गए हैं बाहर कहीं मार्केट टाइप, एक दुनिया जैसे उधर हो जाए, आंधी आए तूफान आए बारिश आए कोहरा आए कुछ भी आए, पापा को उठना है सुबह 5 बजे तो उठना ही है, तो रात में जल्दी से जाते हैं। फिर मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, योगा करते हैं। ही इज टू फिट एंड फाइन पर्सन लाइक ऑटोसे फॉर माई पापा जी। एनी वेज गाइज अभी रखती हूँ और आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। लेट्स सी कि अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो मैं वो भी शूट करूँगी, एंड तक देख लेना आप लोग। और मिलती हूँ बहुत जल्द दोबारा से आपसे, तब तक के लिए टाटा। इट्स माई बर्थडे। हे गाइज वेलकम बैक। सो 11 बज चुके हैं, हम लोग बहुत लेट हो गए। एक्चुअली मॉर्निंग में उठने का ही मन नहीं कर रहा था, ये भी आज बहुत ही लेट उठे हैं, इनके चक्कर में लेट हुआ है आज, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से लेट हुआ है। हम लोग मंदिर जा रहे हैं। बेसिकली प्लान तो मेरा 2-3 जगह का था कि लाइक मैं यहाँ वाले मंदिर जाऊँगी वहाँ वाले मंदिर जाऊँगी, बट सारे मंदिर हम नहीं जा पाएंगे बिकॉज मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 11 बज चुका है। और जितने मंदिर पहुंच पाएंगे पहुंच जाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल सबसे पहले अभी जो हम मंदिर जा रहे हैं वो है, पहले कौन सा वाला पड़ेगा? ओके सबसे पहले पड़ेगा रास्ते में साई मंदिर, तो हम सबसे पहले जाएंगे मेरे साई बाबा को, साई बाबा के दर्शन के लिए साई मंदिर। उसके बाद बचपन मेरा पूरा यहीं बीता है, तो पूरे बचपन से मैं जिन शेरावाली माता को मानती हूँ और जिस मंदिर हम लोग बचपन से गए हैं, फिर उसके बाद मैं अपनी शेरावाली माता के मंदिर जाऊंगी, जिसको हम लोग होलिका माता के मंदिर भी कहते हैं और चौधरी तालाब वाली माता का मंदिर भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है उसके बेसिकली। तो फिर हम लोग वहाँ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि टाइम कितना बच रहा है हमारे पास, बिकॉज 11 बज चुका है और 12 बजे सारे मंदिर बंद हो जाएंगे, आपको तो पता ही है। तो या दैट्स ऑल, मम्मा घर पे है, मेरा भाई जा रहा है मेरे साथ। सुरी ओए हाय बोल। तो भाई जा रहा है हमारे साथ और हम जा रहे हैं, बस हम तीनों जा रहे हैं। मम्मी को मैंने बोला तो वो बोले कि उनका मन नहीं है अभी, तबीयत थोड़ी सही नहीं हो रही है उनकी, तो फिर थोड़ी सही होनी है। दैट्स ऑल। सो गाइस मैं आपको कुछ रिवील करना चाहती हूँ, लाइक रिवील इन द सेंस कुछ बताना चाहती हूँ कि कल हम लोग जब ये मेरे हस्बैंड मुझे बोले कि चलो ज्योति केक का ऑर्डर करके आते हैं, तो हम लोग केक का ऑर्डर करने गए थे। केक का ऑर्डर करने के बाद ही सेड कि चलो, मतलब मैं तब चलो क्या, मतलब चले ही गए हम साथ में, पता ही नहीं था मुझे कि हम कहाँ जा रहे हैं, यू नो। तो फिर एट ऑफ सडन इन्होंने जाके एक शॉप पे रोका मुझे, ठीक है, और वहाँ पे आई वॉज लिटरली शॉक। हम लोग हालांकि प्लान तो बहुत दिनों से कर रहे थे, जो इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है, आप लोग आई डोंट नो कि आप अभी आगे की पीछे वाली वीडियोस देख के समझ गए होंगे या फिर नहीं समझोगे, बट आई एम स्पीचलेस एंड आई एम लिटरली शॉक कि लाइक
प्लान कर रहे थे, बट कब लेना है, कैसे लेना है, कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, आई लिटरली मतलब मुझे पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है. फिर हमने केक का ऑर्डर दिया और केक मतलब सोचा इन्होंने ही था कि इन्हें वैसा वाला केक बनवाना है, बट थोड़े आइडियाज थोड़े चेंजिंग उसमें मैंने करवाए हैं, नो डाउट. तो बहुत ही स्पेशल केक मेरे हबी ने मेरे लिए बनवाया है आज शाम को, जो कि आप अभी आगे देखोगे, फिर टाइटल में अगर मैं डाला होगा तो आप देख चुके होंगे. तो या दैट्स ऑल. बाकी मैंने अभी कुछ मेकअप वेकअप नहीं किया, सिर्फ लिपस्टिक लगा के चली आई हूँ, बिकॉज बहुत लेट हो गया था मुझे ऑलरेडी. बस ये ड्रेस चेंज किया मैंने, आप देख सकते हो, बाकी जस्ट नथिंग. तो बाकी सारे जितने भी गिफ्ट्स मुझे मिले हैं वो सारे लास्ट में मैं आपको अनबॉक्सिंग करके मतलब प्रॉपर वन बाय वन बताऊंगी कि कौन सा गिफ्ट मुझे किसने दिया है और मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं. तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि मुझे आज क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं. सो दैट्स ऑल आज के इस व्लॉग में, यही बहुत कुछ था जो स्पेशल है और होने वाला है. सो स्टे ट्यून गाइज, और आप लोग देखते रहिए आगे कि क्या क्या होने वाला है. अभी मैं मंदिर पहुंच के फिर आपको मंदिर के दर्शन कराती हूँ. ये स्कूल बीडी पब्लिक स्कूल, मेरा भाई बचपन में यहीं पढ़ा है 5th क्लास तक. उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे बरेली से, 5th क्लास तक इसी स्कूल में पढ़ा है मेरा भाई, ब्रजभूषण लाल पब्लिक स्कूल, बीबीए पब्लिक स्कूल. नाउ वी आर ऑन द वे टू गुरुका माता मंदिर. बस साई बाबा के दर्शन हो गए, अब शेर वाली माता के दर्शन करेंगे, बस पहुंचने ही वाले हैं हम लोग कुछ ही देर. गाइस ये आप तालाब देख रहे हो, इसी तालाब के नाम पे इस मंदिर का नाम पड़ा था, चौधरी तालाब. इसमें मछलियां भी होती हैं, पहले छोटे थे जब इस मंदिर में आते थे तो बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां आती थी और उन मछलियों को देख कर बड़ा अच्छा लगता था. देखिए हम पहुंच गए, बहुत पास में रहते हैं साई बाबा के मंदिर के और चौतला वाली माता के मंदिर के पास हम दोनों, तो हमारा जो घर है बहुत ही पास में. तो फाइनली वी रीच्ड. ये मंदिर बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना है. ये देखिए, आइए चलते हैं. ठीक है, प्रसाद नहीं लिया यार. ऐसे चला दे. चलो आज तो पीछे से आए ना, तो रास्ते में वही नहीं मिला. आंटी नमस्ते.
इतना प्यारा लग रहा है ना, बहुत दिनों बाद इसमें पानी है। पिछली बार हम आए थे तो सूखा पड़ा हुआ था। ये बहुत गहरा है और ऐसे मछलियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि 12 बज जाएंगे तो अब तो सारे मंदिर बंद हो जाएंगे, तो अब हम और कहीं नहीं जा सकते। हम लोग जा रहे हैं वापस घर क्योंकि ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, 12:15। अगर हम लोग यहाँ से किसी भी मंदिर जाते हैं तो फिर तब तक तो बहुत ही लेट हो जाएगा। तो बस अपने बर्थडे पे भगवान जी के दर्शन हो गए, बस दैट्स ऑल। हो गया बर्थडे, क्योंकि छोटा मोटा सेलिब्रेशन रखा है शाम को, वो अभी आप देखिएगा आगे। बाय बाय गाइस, घर पहुंच के मिलती हूँ। हे गाइस, एक्चुअली मंदिर से आने के बाद मैंने खाना खाया और मेरी आईज भी ना कुछ हो रहा था, लाइक बहुत ज्यादा रेड हो रही थी और छोटी भी हो रही थी, इसलिए फिर हम सब लोग सो गए थे। पता है, सबके सब, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मा, हम सब सो गए थे बाहर, आप मम्मी सब। और फिर जस्ट अभी उठे हैं, अभी बज रहे हैं 4 बजे, 4 बजे। कहाँ जा रहे हो? नहीं, आगे से सोच भी रही है, पता नहीं क्या हो रहा है आज मेरी आंखों में। एक्चुअली बुधवार को भाई जाता नहीं है बहन के घर से, अभी पता चला था, फिर उसी पे डिस्कशन चला था। मेरी मम्मा आई हुई है ना छुट्टी लेके 3 दिन की, तो वो भी पुलिस में है, तो उनको भी अपना ड्यूटी देनी है, तो वही डिस्कशन चल रहा है कि कब जाना है कब, क्योंकि बुधवार को जाता नहीं है बहन के घर से भाई फिलहाल। अच्छा गाइस, मैं सोच रही थी नील आर्ट करने की, लाइक फेक न्यूज लगाने की, फिर मैंने सोचा कि नहीं लगा। तो आज मैं बिल्कुल रेस्ट पे हूँ, सुबह का सारा खाना मेरी मम्मी ने बनाया, शाम का भी मेरी मम्मी सारा बना रही है, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। खाना बना बना के हाला क्या होगी, वाली बनाती हूँ। मेरे को कंप्लीट रेस्ट दिया है यार, तब भी तो मेरी हाल ऐसी हो रही, मम्मी आगे कैसी होगी मेरी, मेरे को तो अभी लेंस भी लगाना है। चलो तुम तैयारी करो, मैं जाती हूँ फटाफट खाना रेडी करती हूँ। खाने में बताएं क्या बना रही हूँ मैं आपको? आज बना रही हूँ छोले भटूरे, रायता, सैलेड, ठीक है, और पुलाव। बाय। मेरी ड्रेस ऐसी है ना, क्योंकि मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो मैं सोच रही थी फर्स्ट न्यूज लगा लूँ, फिर मैं सोच रही हूँ रहने तो क्या करूँ, क्योंकि लगा लूँ क्या, आई एम सीरियसली वेरी कन्फ्यूज। ऊपर से मैं जो हेयर स्टाइलिंग करने वाली थी आज, वो प्रोडक्ट दूसरा रिसीव हो गया था मुझे फ्लिपकार्ट से, तो मैंने सोचा कि मैं उसको चेंज कर दूँ, बट वो भी मैं कर नहीं पाई। मैं क्या बनाऊंगी बालों में, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। चलो देखते हैं अभी क्या निकल के आता है, फ्रेश फ्रेश हो जाऊंगा फटाफट, रेडी होना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि फिर बर्थडे गर्ल हूँ तो मुझे सबसे पहले रेडी होकर बैठ जाना है, जिससे कि आराम से मैं वीडियोस बना सकूँ, आराम से फोटोज वगैरह ले सकूँ, आराम से एकदम चिल मार सकूँ, क्योंकि फिर जान जब खाना बनाना मुझे बनाना नहीं है, आराम से मस्ती करूँगी। कल रात से मैं एकदम फ्री घूम रही हूँ, कल रात का खाना ही मैंने नहीं बनाया, आज सुबह का खाना ही मैंने नहीं बनाया, और अभी भी मैं खाना नहीं बना रही। वाह, बेचारे मेरी मम्मी परेशान हो रखी है रात से। और मेरे सारे बर्थडे गिफ्ट्स मैं आपको दिखाती हूँ इस वीडियो के एंड में।
सारा अनबॉक्सिंग करूंगी जितने मुझे मिले हैं, और मेरे हस्बैंड का बेस्ट सरप्राइज गिफ्ट, आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव इट। वैसे तो आप वो समझ ही गए होंगे, बट क्या दिया है वो थोड़ा मैं डिटेलिंग में बताऊंगी आपको, थोड़ी सी वेट कीजिए। चलो मिलती हूँ, टाटा। कुछ बोलेंगे तो क्या बोल रही? अब बोलो कॉल पे हैप्पी बर्थडे आंटी। देख रहे हो मम्मी, यार बच्चे मुझे आंटी कहते हैं, यार मैं आंटी हूँ, इनको अंकल कहते हैं, छोटे भैया अंकल कहते हैं, छोटे भैया आप आंटी। ये देखो अब दिखा, ये चाय नहीं पीना मैं, जब भी प्रेम भैया में तब भाभी में लावो, तुम आंटी में ये तो दिया तुम्हें, लो मम्मी भी कह रही है आंटी में, अरे लो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑसम वाइफी। फोन कहाँ है यार, सो इट्स टी टाइम विद मम्मा लो। हाय बोलो, हाय 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 बोलती है नहीं ऐसे हाय हाय। अच्छे लगे तो दोनों तो हाय करते हैं, तो चाय पी ले फिर मिलते हैं आपसे बाद में। ये जो है इसे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप लग रहा है, ये देखिए आप शैम्पू ही है लेकिन आधा ट्रांसपेरेंट है आधा वैसा, इस तरह से मैं इनकी सासू माँ के लगाऊंगी। सो गाइस ये है स्ट्रीक इंस्टा शैम्पू हेयर कलर, क्विक एंड कन्वीनियंट, नो अमोनिया, 100% ग्रे कवरेज एंड वर्क्स इन जस्ट 5 मिनट्स, ₹20। स्ट्रीक इंस्टा का ये हेयर कलर शैम्पू है जो कि मेरी मम्मी मेरे सासू माँ को लगाने वाली हैं। इसके साथ ही ऐसा ग्लव्स भी आते हैं, ये देखिए ग्लव्स आते हैं, और इन ग्लव्स के साथ बस इसको अप्लाई करना है एज अ शैम्पू, और उसके बाद कितनी देर में धो लेना है, 10 मिनट्स में, 5 to 10। बहुत ईजी है इसको, आप लगा सकते हैं अगर आपको कहीं फंक्शन में जाना है, पार्टी में जाना है आपको, तो आप मतलब बिल्कुल 10 मिनट लगा ले और बस ओके, एकदम बढ़िया हो जाएगा आपके, क्योंकि टाइम नहीं होता है अक्सर हम लोगों के पास, तो ये बेटर है। ये जो है ये चाय की पत्ती है, आप इसे चाय की पत्ती की पोटरी बना के इसमें बीच में रख के और तब छोले को उबाले तो इसका बहुत टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अच्छा तो चाय की पत्ती से उबाले हैं? हाँ, तो छोले का टेस्ट ये बहुत ही बढ़िया आएगा। वाव नाइस, तो जा रही छोले बनाने? हाँ बस मैं छोले की तैयारी करूंगी, ग्रेवी वगैरह तैयार करूंगी, पीसूंगी, ग्रेवी वगैरह तैयार करूंगी, जब तक ये रसमलाई खाने को कह रहे हैं, इन्हें रसमलाई देती हूँ। अरे यार रसमलाई तो किसी ने नहीं खाई, नहीं मैं तो खाई है, इसने खाई भी तो नहीं है सुबह से, रसमलाई एक बो दो। बज रहा है 5:15, इनफेक्ट 5:30 समझ लीजिए, और अब मैं जा रही हूँ फटाफट फटाफट से रेडी होने। आज भी आप देख सकते हो मैंने पूरा अपना फेस वॉश कर लिया है, कोई मेकअप नहीं है, फेस वॉश करके अब मैं जा रही हूँ आई लेंसेस अप्लाई करूंगी, लेंस अप्लाई करने के बाद मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूंगी। पहले मैं सोच रही थी कुछ स्मोकी ड्यू आईज रखती हूँ, फिर स्मोकी आईज के साथ कुछ करती हूँ, फिर मुझे लगा यार स्मोकी आईज मेरा भी रिसेंट जो माई फ्रेंड एंड माई बेस्टी डज माई मेकअप वाला जो वीडियो है उसमें भी उसने कुछ स्मोकी आईज ही रखा है, मैं स्मोकी आईज ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ एक बार, तो कुछ अलग करती हूँ। फिर मुझे लगा कुछ रेड लाइनर टाइप्स क्रीज कट क्रीज लाइनर लगाती हूँ, एक कट क्रीज वाला लाइनर्स वाला आईज होता है ना वो लगाती हूँ, फिर मुझे लगा यार वो भी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि घर में ही पार्टी है, घर वाला सिंपल सिंपल वाला बर्थडे पार्टी, ज़्यादा कोई लोग आ नहीं रहे हैं, बस पड़ोस वाले भैया भाभी आ रहे हैं और तो कोई है ही नहीं, बस घर घर में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ज़्यादा तो मैंने किसी को बुलाया ही नहीं आपकी बार, क्योंकि मेरा जो मेन पर्पज था कि मैं अपने फ्रेंड्स को फिर बाहर दे दूँगी बर्थडे पार्टी, बट बाहर मेरी बात हुई थी मेरे एक फ्रेंड से तो वो कह रही है बाहर अभी रहने देते हैं क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कोविड का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है,
तो फिर बस यही था, तो बस घर घर के लोगों में ही हो रही है, तो दैट्स व्हाई बस मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स आ रहे हैं और मेरे पड़ोस वाले भैया भाभी आ रहे हैं और बस हम घर घर के लोग हैं, दैट्स ऑल। तो फिर इस वजह से मैं सोच रही हूँ कुछ सिंपल सा कर लेती हूँ, लेट्स सी, ट्राई करते हैं क्या निकल के आता है। मेकअप मैंने लिटरली जा रही हूँ, मैं मेकअप करने जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, दैट्स ऑल। चलिए गाइस फाइन, मेकअप स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा मेकअप निकल के आता है, क्या मेकअप होता है। मिलती हूँ आपसे मेकअप करते करते, और इस लुक का मेकअप ट्यूटोरियल मैं अलग से डालूंगी, ब्लॉग में मेकअप ट्यूटोरियल मैं शेयर नहीं करूंगी। तो लेट्स सी कि ब्लॉग पहले आता है या फिर मेकअप ट्यूटोरियल पहले आती है, जो भी पहले आएगा आई डोंट नो, बट आपको देखनी, मोस्ट प्रोबेबली मेकअप ट्यूटोरियल पहले आएगी, ब्लॉग बाद में आएगा, आप लोगों को जरूर देखना, ठीक है। मेरा मेकअप ट्यूटोरियल पहले आ जाएगा आई थिंक सो, ब्लॉग बाद में आएगा। ओके गाइस स्टे ट्यून, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, एंटर देख लेना। Hey guys, so मैं रेडी हो गई हूँ, लुक एट माय लुक फॉर माय बर्थडे, एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज कितना प्यारा डेकोरेशन।